नमस्कार, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी RBL। और यहाँ पे देख सकते हो मैं थी स्टेशन में, फिर उसके बाद ये प्यारा सा दरबार सजा हुआ है। तो मैं इस टाइम पे कहाँ आ गई हूँ, मैं हूँ अपने मायके में। और यहाँ देख सकते हो बिट्टू को, मैंने बिट्टू का ड्रेस भी चेंज कर दिया था। और ये मेरे मायके का मंदिर है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, मैंने दिखाया भी अपने ब्लॉग में कि ये मेरे मायके का मंदिर है और ये माता जी का, क्योंकि इस समय चल रहे हैं नवरात्र। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ, तो आई होप आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे और ब्लॉग का मज़ा लेंगे। और आप लोग से ही हम पूछते हैं कुछ बातें, उसका क्वेश्चन और आप ही देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बिट्टू के जो पैर में मधुमक्खी थी, हम लोग मंदिर गए थे तो वहाँ काट ली थी, तो वो रो रही थी। और मंदिर का लुक कुछ ऐसे दिख रहा था, मंदिर बहुत ही प्यारा था, एक काली जी का मंदिर है। हम यहाँ पे बचपन से जाते हैं, बट उस टाइम पे जो मंदिर था छोटा, और उस टाइम पे मंदिर जो आपको छोटा सा दिख रहा अंदर काली जी की, बस सेम मतलब ऐसे ही छोटा सा बना हुआ था। मगर कहते हैं ना, और जिसको बनवाना था अब उसी के बगल में बनवाते चले जाएं, इतना बड़ा होगा। बट जिस टाइम पे हम छोटे थे उस टाइम पे बहुत ही छोटा सा मंदिर बना हुआ था, और बस छोटी छोटी शायद बाउंड्री थी कि नहीं थी, मुझे प्रॉपर ढंग से याद तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी। और गाइज, मैं मंदिर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का प्यारा सा लुक है। और यहाँ मैं, भाभी, मम्मी, ये सब दर्शन करने के बाद वापसी का है। और आगे मेरे बेटा और मेरे दोनों भतीजे और मेरे भाई चला रहे थे गाड़ी। और यहाँ पे बिट्टू ने बनाए थे वीडियो। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये शाम के हमारे यहाँ होती हैं आरती मंदिर में, तो यहीं पास पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं आरती करने के लिए। और 2 दिन कैसा मेरा गया मुझे पता ही नहीं चला, कल और आज कैसे सुबह से कब शाम हो गए कुछ पता नहीं, बहुत सारा इंजॉय किया। और कल अब वापसी है, बट जाने का मन नहीं, मगर क्या किया जाए, समय के अनुसार ढलना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे भतीजे ने पूरा डेकोरेशन किया था, जिसका नाम है कृष्णा शर्मा, जिसको मैं वीडियो में अभी दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा, बेटी और मेरा भतीजा कान्हा, तीनों लोग एक ही कुर्सी पे बैठे हुए थे। और क्योंकि ठंड हल्की फुल्की होने लगी है गाँव में, ऊपर से चादर ढक रहे थे, फिर मैं उनको डांट रही थी कि आपकी जो चेयर है पीछे को पलट जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कान्हा और ये है कृष्णा, तो कृष्णा मेरा बड़ा भतीजा है और कान्हा मेरा छोटा भतीजा है, दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे कान्हा जी का भी बहुत ही प्यारा होगा डांस, और पहले आरती करते हैं फिर उसके बाद कान्हा जी का डांस दिखाते हैं। अब भाई कान्हा का डांस देखना तो जायज़ है ना। और ये देखो कान्हा जी मटक मटक के कर रहे हैं डांस, कहते ना कान्हा जैसे हैं वैसे ही मटकते रहते, मस्ती बहुत करता, बहुत ही प्यारा, मस्ती तो फुल, इसके साथ में रहो ना, हंसते रहो खेलते रहो पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे हो रही थी आरती, तो आरती 2-3 आरती होती है। और फिर उसके बाद यहीं पास के ये मेरी चाची लगती हैं और ये मेरी बहन लगती है। और यहाँ पे हो रहा था देवी गीत, मतलब कहते हैं नहीं सांझ मनाया जाता है, जो देवी की गीत होते हैं उनको गाया जाता है, मतलब माता रानी को मनाया जाता है 9 दिन, तो कोई कम से कम 5 गीत गाने चाहिए। बट मेरे बगल में एक मेरे बाबा ही लगते हैं, उनकी तबीयत इस समय ज़्यादा अस्वस्थ है, सीरियस चल रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, गाने वाने नहीं तो ढोलक वगैरह सब बजता है। अब मेरा घर एकदम उनके बगल में ही है, अब ऐसा करने में अच्छा नहीं लगता ना, तो इसके वजह से बस स्लो स्लो एकदम धीरे धीरे से आवाज़ में सब लोग गा लिए गाने। सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे हो गया जुकाम और जुकाम की वजह से गला मेरा रुधा हुआ है, इतना ज़्यादा मेरे गले में कांटे गड़ रहे, बट मैंने दवा भी खाई है, पेन किलर भी खाई है, कल भी खाई थी आज भी खाई, मगर कहते ना मौसम के साथ उतार चढ़ाव है। और गांव में इस टाइम पे ठंडक भी पड़ रही है। और गाइस उस दिन मैं गई थी
गरबा खेलने यानी डांडिया, और उस टाइम पे मैंने खुद से ये पिच ली थी सेल्फी, तो मैं इसकी बनाई थी रील। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आपने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला। और यहाँ पे देख सकते हो ये सारी कन्याएं खा रही हैं और साथ में लंगूर भी, और सामने मेरी क्यूटी सी प्यारी सी बेटी बैठी हुई। भाई सब माँ को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे मुझे भी है। और बेटा इधर बैठा हुआ, जो बाटला रखा है सिलेंडर, इधर बैठा हुआ बेटा, और उसके जस्ट बगल में मेरा भतीजा, बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं और खा रहे हैं कुंवारियाँ। तो मैं इनके पैरों में, मतलब कुंवारी के साथ में जो कन्याएं होती हैं इनके पैर में कलर लगाया जाता, तो मैं उन्हीं के पैर में कलर भी लगा रही थी। मैंने कहा चलो मैं कलर, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम होता है जब ऐसे कुछ। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हो रही कन्याएं खिलाई जा रही, और मम्मी भाभी मैं सभी लोग लगे हुए, साथ में मेरा भतीजा भी। और इस टाइम सुबह के 6:30 का टाइम था। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो भाभी भी, ये मेरी भाभी हैं बीच वाली यानी 2nd नंबर की, और फर्स्ट और लास्ट जो है वो मुंबई में रहती है, और मम्मी खिला रही है। और ये है मेरी फ्रेंड की, फ्रेंड का भतीजा है, तो उन्हीं की मम्मी ये बैठी हुई थी। बाकी सारे बच्चों को सारे हंस रहे थे, मैंने कहा सबके आज एक एक करके फेस लेती हूँ ताकि मतलब अच्छा लगे। कुछ बच्चों को तो मैं पहचानती हूँ, कुछ को पहचानती नहीं हूँ क्योंकि अब इतना टाइम हो गया शादी का, तो मतलब कुछ बच्चे अभी जो 4-5 साल के बच्चे उनको मैं पहचानती नहीं, उनसे पूछ रही थी आप किसके घर के हो कहाँ से हो। मगर अच्छा लगा, माता रानी का कुछ सेवा मैंने किया और कुछ ये लोग भी किए। मैंने कहा चलो मुझे भी थोड़ा सेवा का अवसर मिलना चाहिए, तो मैंने एक एक करके सबकी वीडियो बनाई है और सबको मत्थे पर एक एक चुनरी भी पहनाई गई थी। तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ कन्याएं खिलाई गई कि नहीं? और आज नवमी है यानी नवरात्रि का लास्ट दिन, तो जो लोग व्रत रखते हैं उस दिन हवन भी होता है प्लस कन्याएं भी खिलाई जाती। तो हमारे यहाँ आज ही कन्याएं खिलाई गई और आज ही व्रत रखा गया। तो दोस्तों आप लोगों के मतलब आज ही कन्याएं खिलाई गई और आज ही जो है हवन भी हुआ, सॉरी व्रत तो चालू है। मम्मी मेरी 9 दिन है, बाकी हम लोग, मैं भाभी भाई भतीजा सब लोग फर्स्ट और लास्ट है। आप लोग पूरे रहते हैं कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और गाइस आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं तो ज़्यादा नहीं शूट कर पाई, मगर मैंने सोचा चलो छोटी सी छोटी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आई होप आप लोग पसंद ही करोगे। और यहाँ पे भाभी उसको दोबारा खाना दे रही थी।
नमस्कार। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 10 और कुमारी खा गई, कन्याएं जो थी वो खा गई है, हवन हो रहा है जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो दरअसल बात ये थी, हम लोग जो हवन किए तो खाए पिए हवन किए, क्योंकि पंडित जी थोड़ा लेट आए और जो कन्याएं थी वो तो सुबह 7 बजे ही खा के चली गई और हम लोग खाए पिए थे। तो इसके वजह से जब मतलब कुछ खाए पिए रहो तो ज़्यादा टाइम नहीं करते, तो हम लोग 11-11 आहुति दिए सारे, मतलब सारे लोग 11-11 बाद हवन किए हैं और उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी हवन हो रहा। आवाज़ सुनाई दे रही नहीं, स्वाहा स्वाहा करके पंडित जी की आवाज़ आ रही और हम लोग अंदर आ गए। अभी जब आरती होगी और प्रसाद बटेगा अभी लास्ट में जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ देर बाद। और भाभी जी देखो फुलाए है, भाभी जी फुलाए का हो गया भाभी वाह, ए भाभी वाह, सब लोग कहेंगे भाभी वाह, भाभी वाह, बिटी वाह, ये देखो बिटी वाह, बिटी वाह। तो चलिए दोस्तों, कान्हा भैया कहाँ है? कान्हा भैया पीछे साइड में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ देर बाद, ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग का आनंद लीजिएगा। और मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाली हूँ मगर आज ब्लॉग जाएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। मगर आज मैं टाइम निकाल के वीडियो डालूंगी, क्योंकि कल भी नहीं डाल पाऊंगी। कल मैं जाऊँ पीछे साइड जहाँ पे अमरूद के पेड़, और फिर उसके बाद मैं कल भी वीडियो नहीं डाल पाऊंगी, परसों ही डाल पाऊंगी। तो इसके लिए आज मैं जरूर डालूंगी। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ कुछ देर बाद, ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग का आनंद लीजिए। तो देख सकते हो यहाँ पे हो रही पूजा, जी लोग बैठे हुए हैं पंडित जी और बाकी सारे लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ हो रहा है हवन और सामने मेरा भतीजा बैठा, इस साइड में मेरी मम्मा बैठी, मेरा बेटा बैठा, हम सारे लोग मिलके किए हैं मगर मम्मी और मेरा भतीजा लास्ट तक किया। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरे घर के यानी मंदिर के बाहर हुआ है हवन, यानी मंदिर के ऐसे आंगन में होता था, ये हुआ कि इस टाइम पे बाहर, और इस साइड जो बैठे हैं माली बाबा बैठे और बाकी पंडित जी हवन कर रहे हैं, हम सारे लोग हवन मिलके किए हैं। तो आप लोगों की नवरात्रि कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, आंगन में मेरे भाई मेरी मम्मी आपस में बात कर रहे हैं, उसी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है जब पक्के घर होते हैं, मतलब घर सबके आजकल पक्के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं तो मतलब ऐसे होते हैं, तो घर में आवाज़ ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा क्यूटी सा भतीजा कैसा लग रहा है, कृष्णा जी और मैंने देखो इतने सारे कपड़े धुले थे, तो छत पर आई थी मैं कपड़े डालने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं चलती हूँ अपने घर के पीछे साइड, और ये देखो अमरूद के पेड़, यहाँ पे अमरूद, चाय पत्ती, आम और पुदीना वगैरह सब नीचे से सब कुछ दिखेगा। और ये देखो यहाँ पे मम्मी बैठाती थी दूध, दूध यानी गर्म होता था जो कंडों में रख के किया जाता था। और फिर उसके बाद ये देखो बाजरा रखा हुआ, और ये मेरा बगल का खेत, अभी इसमें कुछ बोया नहीं गया है और खेत को ऐसे जोत के रख दिया गया, अभी कुछ बोएंगे। और यहाँ से पूरे छत का लुक, तो मैं जा रही हूँ नीचे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं करती हूँ, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और मैं अभी पूड़ी निकाल रही थी, जिसकी वजह से मैंने सिर पे बिट्टू की बनियाइन ऐसे डाल ली थी, क्योंकि सिर खोल के नहीं रखना चाहिए। और ये है भाभी, भाभी ने अभी बर्तन को साफ करके उठी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ, और कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो में।